वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको चार बेहद ही प्रचलित गणेश चतुर्थी की कथाएं सुनाने जा रही हूं। कथा का वीडियो डालने में मुझे थोड़ा देर हो गया क्योंकि मेरे घर में ही गणेश जी का स्थापना का आज दिन था, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ। आप लोग कथाओं को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और गणपति जी का पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर आप कथा सुनिए। और आज इस वीडियो में आपको चार गणेश चतुर्थी की दिन सुने जाने वाली, ये जो 10 दिन का गणपति उत्सव रहता है उसमें सुनी जाने वाली चार प्रचलित कथाएं आपको सुनाऊंगी। कथाओं को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी दोनों बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने आए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपनी माँ वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रताधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उसे बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत करती हैं। तीसरी कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, कारण जो भी रहा हो। जब अब भगवान विष्णु की बारात आने जाने का समय आ गया, सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सभी सबने
विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है, यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, गणेश जी आ भी जाएं तो उनकी द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि अगर आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी आप सबको पसंद आ गया तो विष्णु जी भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में घुस गए, लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, वो उन्हें सुधारे कैसे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपको सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सारियो, ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो। बोले गजानन भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न सुनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया, संयोग से 3 बार पार्वती जी जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया।
बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख प्रसन्न हूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक को बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन का गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ओम गम गणपते नमः। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। महादेव भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सो हिमोसे की सवा, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
दीनन की लाज राखो शंभु सुत हारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।